जंतर मंतर पर सैलाब, पूरी दिल्ली जाम। ये क्यों, क्या कारण, आइए हम जानते हैं कि ये दिल्ली जाम क्यों है। पूरा जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं इनकी मांगे क्या हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। ये शायद अध्यापक हैं और इनके पैर में भी थोड़ी सी दिक्कत है। इस अवस्था के अंदर ये यहाँ जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या समस्या है, इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा। अभी आइए जानकारी। सर आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है, अलीगढ़ से आया हूँ और आज हम बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूं और 3 दिन से यहां इस धरने पर लगातार पड़ा हूं और सरकार को हमारी कोई भी समस्याएं नज़र नहीं आ रही हैं। हमारा नौकरी छूट गई, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। आज हम इस उम्र पर हैं, हमने अपनी पूरी जवानी, हमने पिछले 17 साल शिक्षा विभाग की सेवा में समर्पित कर दिए और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम पर अयोग्यता का ठप्पा लग रहा है। सरकार कह रही है कि अगर हम सहायक अध्यापक के रूप में पढ़ाएंगे तो हम अयोग्य होंगे और अगर हम शिक्षा मित्र के रूप में पढ़ाएंगे तो हम योग्य होंगे। ये एक ऐसी विडंबना है कि कभी कभी लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी योग्यता पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, अगर हम पढ़ाएंगे, काम तो हमारा पढ़ाने का ही रहेगा, अगर हम शिक्षा मित्र के रूप में पढ़ाएंगे तो हम योग्य कैसे हो जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए हमने पूरा जवानी शिक्षा के क्षेत्र में हमने दे दी और आज इस उम्र पर, इस पड़ाव पर आ गए हैं कि हमारे सामने कोई भी रास्ता, कोई भी विकल्प नहीं बचा है कि कैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। सरकार से एक ही मांग है कि या तो हमारी समस्या को सुलझाया जाए, हमें पुनः सहायक अध्यापक का पद दिया जाए, समाज के अंदर मान सम्मान दिया जाए, या फिर मेरी अपनी बिल्कुल निजी मांग है कि परिवार सहित आत्महत्या का विकल्प हमें दिया जाए, एक सम्माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इजाज़त दी जाए कि हम अपने पूरे परिवार को खत्म कर दें, पूरे परिवार को समाप्त कर दें, क्योंकि परिवार तो लगभग समाप्त हो ही चुका है। 3 दिन से अलीगढ़ में बीवी बच्चों का क्या हाल है हमें नहीं पता, वो अकेले रहते हैं, हमें नहीं पता कि उनकी क्या स्थिति है, घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो हम कब तक आखिरकार इस तरह ता जिंदगी सड़कों पर यूं ही संघर्ष करते रहेंगे, एक निश्चित कुछ तो होना चाहिए। अजय कुमार, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मेन निश्चित एक मांग यही है कि हमें किसी भी तरह से सहायक अध्यापक के पद पर लाया जाए, हमें हमारा मान सम्मान दिया जाए और जो वेतन सहायक अध्यापकों को मिलता है वही वेतन हमें दिया जाए जिससे कि हम अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकें। अभी अजय कुमार जी ने बोला है कि हमारा मान सम्मान सारा लुट चुका है और हम बेकार हो चुके हैं और गवर्नमेंट से और राष्ट्रपति जी से इन्होंने एक गुहार की है, या तो हमारा जो सम्मान है वो वापस दे दिया जाए अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु के लिए। ये लोग ये ऐसे आंखों में आंसू भरकर इस तरीके से गुहार कर रहे हैं, सरकार को सोचना पड़ेगा।